YouTube के लेटेस्ट वीडियोज, ब्रेकआउट स्टॉक्स और जो कुछ भी मैं यहाँ शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, साथ साथ स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट न्यूज के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे स्टॉक बाजार ओरिजिनल सर्च करें और इस तरह का कुछ आइकन दिखेगा, उसे ज्वाइन कर लें। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स बाजार। इस वीडियो में हम निफ्टी को डिस्कस करेंगे क्योंकि निफ्टी हमें अपना व्यू देता है मार्केट का। मार्केट कल हमारा अप ट्रेंड में रहेगा या डाउन ट्रेंड में रहेगा, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स है, हम सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, जैसे हम बात कर लें सपोर्ट का, तो ये जो हमारा सपोर्ट काम करेगा वो 17,000 जो है ये एक इम्पॉर्टेंट और साइकोलॉजिकल सपोर्टिंग लेवल है। फिर बात करें रेसिस्टेंस लेवल का, तो जब यहाँ पर निफ्टी हमारा 17,300 को निकालता है तो निश्चित रूप से यहाँ पर हमें एक मोमेंटम देखने मिलेगा और ये मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है 17,450 तक। जैसे निफ्टी 300 के लेवल को क्रॉस करता है तो ये 450 तक का लेवल आपको कंटिन्यू देखने मिल सकता है वन फास्ट मोमेंटम के साथ। अगर आप भी हमारे प्रीमियम ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से एंजल ब्रोकिंग और जीरोधा में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जैसे आप अकाउंट ओपन कर लेते हैं आपको प्रीमियम ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा, जहां पर आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी के लाइव मार्केट में चार्ट शेयर किए जाएंगे। लाइव मार्केट में आपको बैंक निफ्टी के कॉल दिए जाएंगे, कौन से ऑप्शन को आपको सेल करना है, कितना स्टॉप लॉस रखना है और क्या टारगेट आपको लेके चलना है। तो अगर आप प्रीमियम ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन देंगे लिंक से अभी अकाउंट ओपन कीजिए। अब यहाँ पर बात करें जो आज कैंडल बना है, उस वो कैंडल हमारा या तो हैमर का काम करेगा या तो हैंगिंग मैन का, ये डिपेंड करता है कल मार्केट का हमारा बिहेवियर क्या होता है। अगर हम इसके कैंडल के लो को ब्रेक करते हैं तो ये हैंगिंग मैन का काम करेगा, क्योंकि ये यहाँ से जो स्विंग कंटिन्यू हुआ है उस स्विंग के अप पे ये बनेगा, ऊपर बनेगा। तो स्विंग के ऊपर जब ये जो है हैंगिंग मैन तब कहलाएगा जब हम इसके लो को ब्रेक कर देते हैं। तो निफ्टी जब इस कैंडल के लो को ब्रेक करेगा तो ये हैंगिंग मैन के रूप में काम करेगा और हमें इसके लो को ब्रेक करने के बाद एक बेयरिश मार्केट देखने मिलेगा, मतलब मार्केट में थोड़ा बहुत गिरावट देखने मिलेगा। वही हम इसके ऊपर कंटिन्यू करते हैं और यहाँ पर जो 17,450 के लेवल को क्रॉस करके फिर 500 लेवल भी हमारा एक साइकोलॉजिकल लेवल होगा, उसको क्रॉस करते ऊपर चले जाते हैं। ये कैंडल हमारा हैमर के रूप में एक्टिवेट तब होगा जब हम प्रीवियस डे का जो हाई है उसके ऊपर क्लोजिंग दे अगले दिन, तो ये हैमर के रूप में एक्टिवेट हो सकता है। हैंगिंग मैन होगा जब हम इसके लो को ब्रेक करके, क्योंकि लो को ब्रेक करते हैं तो ये हमारा हैंगिंग मैन हो जाएगा, तो फिर मार्केट में थोड़ी बहुत गिरावट हमें देखने मिल सकता है। तो ये आज का कैंडल है, ये कैंडल दोनों तरह से एक्टिवेट हो सकता है, हैमर के रूप में भी और हैंगिंग मैन के रूप में भी। ये हमें कल डिसाइड करेगा कल मार्केट कहाँ पे क्लोजिंग देता है उसके आधार पर। अब वही इंट्राडे मूवमेंट की बात करें तो देखिए यहाँ पर 15 मिनट का चार्ट पहले लगाया है आज, जैसे यहाँ पर एक रेंज बनाया, रेंज बनाने के बाद जैसे मार्केट इसको ब्रेक किया ऊपर की ओर तो यहाँ पर आप ट्रेड ले सकते थे। मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया था बैंक निफ्टी में लिया था, मैंने निफ्टी में ट्रेड बहुत कम करता हूँ, यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया था। जैसे इस लेवल को ब्रेक किया तो निफ्टी भी सेम चार्ट बनाया था, यहाँ पर आप ट्रेड ले सकते थे ब्रेकआउट पर। इस रेंज के ब्रेकआउट होने पर अच्छा खासा यहाँ पर मोमेंटम मिला, जिस तरह से मैंने डेली चार्ट पर डिस्कस किया उसी तरह से यहाँ पर 15 मिनट चार्ट पे भी आपको इम्पोर्टेंट लेवल्स देखने मिलेंगे। देखिए यहाँ पर जो 17,000 है वो इम्पोर्टेंट लेवल है, 17,000 इम्पोर्टेंट एक लेवल होगा। और कहीं बात करें तो 17,200 को जैसे हम ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर निफ्टी में हमें फास्ट डाउन साइड मोमेंटम मिल सकता है जो कि 17,000 तक निफ्टी को लेके आ सकता है। फिर यहाँ पर ऊपर की ओर बात करें तो जैसे 17,300 के लेवल को निकालता है निफ्टी तो ये वन वे फास्ट मोमेंटम दे सकता है जो कि इसे लेके जा सकता है 17,450 तक। 17,450 से 17,500 के बीच का जो लेवल होगा एक नो ट्रेडिंग जोन होगा, यहाँ पर आपको ट्रेड नहीं लेना चाहिए। तो ये था ब्रीफ में निफ्टी के जो इम्पोर्टेंट लेवल्स है उसके बारे में मैंने यहाँ पर डिस्कस किया। देखिए ये सारे लेवल्स तभी काम करेगा जब निफ्टी आज यहाँ क्लोजिंग है इसी के आसपास ओपन हो, इसके आसपास ओपन होने के बाद ऊपर के लेवल्स को क्रॉस करेगा तो हमें ऊपर की साइड मोमेंटम देखने मिलेगा। नीचे का ये जो लेवल है 200 के लेवल, इसको क्रॉस करता है तो फिर हमें नीचे जो है डाउन साइड मोमेंटम देखने मिलेगा। तो ये था हमारा निफ्टी का अगले दिन का जो मार्केट का व्यू हो सकता है, जो मार्केट का सेंटिमेंट हो सकता है उसके अनुसार एनालिसिस। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इसी तरह के एजुकेशन वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।